विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजस्थान भारत स्काउट गाइड और वन विभाग द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। मंगलवार सुबह निकाली गई रैली में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह रैली बाल भारती स्कूल से रवाना हुई, जिसे प्रिंसिपल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्काउट गाइड की सीओ कल्पना शर्मा ने बताया कि आज किस तरह चारों तरफ पर्यावरण का खतरा मंडरा रहा है, उसके प्रति जागरूकता के तहत यह रैली निकाली जा रही है। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड और पर्यावरण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जो इस त्रासदी से झेल रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पानी का इतना संकट है, पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, तो हम किस तरह से जनता में थोड़ी सी जागरूकता लाएँ जिससे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। इस उपलक्ष्य में अभी 7:30 बजे जन चेतना रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली बाल भारती पब्लिक स्कूल से रवाना होकर दक्ष हॉस्पिटल होते हुए बीलाल हॉस्पिटल होते हुए नया बस चौराहे जाएगी। नया बस चौराहे से देवयानी अस्पताल होते हुए वापस बाल भारती स्कूल पर समापन इसका होगा और 9 बजे पौधारोपण और पारितोषिक वितरण कार्यक्रम। 3 दिन से लगातार पर्यावरण दिवसीय कार्यक्रम हमारे आयोजित हो रहे हैं, तो इस दौरान जो भी बच्चों ने इस पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम के आयोजन पर जो प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया था, उन सहभागियों को पारितोषिक वितरण किया जाएगा। यहाँ मौजूद वन विभाग के एसीएफ राजीव लोचन ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पर्यावरण के प्रति चेतना लाने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं। आज ये पर्यावरण दिवस का 3रा दिवसीय है कार्यक्रम। इसमें वन विभाग और राजस्थान स्काउट गाइड दोनों के संयुक्त तत्वावधान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कैंप में आए हुए बच्चे और वन विभाग के कर्मचारी एक पर्यावरण से संबंधित रैली निकालेंगे, जो यहां से दक्ष हॉस्पिटल, नयाबास और वापस कैरियर मेकर होते हुए नयाबास बाल भारती स्कूल पर ही समाप्त होगी। इस वर्ष की थीम प्लास्टिक का उन्मूलन है। सभी कार्यक्रम में प्लास्टिक उन्मूलन पर जोर दिया जाएगा और इसके पश्चात 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो भी विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस रैली को हम बाल भारती स्कूल से लेके नयाबास होते हुए और जो जनता है उनको जागरूक करते हुए वापस बाल भारती स्कूल तक ही समापन करेंगे। इस रैली के पश्चात 9 बजे से श्री पवन जैनवाल जी, जो ACGM हैं, उनके चेयरमैनशिप के अंदर में हम जो 5 जून का पर्यावरण दिवस है उन समारोह को आगे संचालन करेंगे। इसमें हम जो विशेष थीम है आज के कार्यक्रम की, जिसमें प्लास्टिक उन्मूलन के लिए हम संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कि इस वर्ष से हम एक संकल्प लेंगे कि प्लास्टिक को हम आगे कम से कम यूज़ लें और भारत के जो जीव जंतुओं के ऊपर जो असर पड़ रहा है नकारात्मक, उसको कम से कम किया जाए और हम पर्यावरण संदेश, पर्यावरण संरक्षण के संदेश को भी आगे लेकर जाएंगे।